असलम नाजीन मैं हूं अरसलान खोकर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीर इकॉमी के मसाइल बिजनेस से जुड़े मसायल और फिर अब गैस और बिजली के महंगे होने के साथ साथ कुछ गैस की शॉर्टेज भी होने जा रही है किस किस्म की गैसे जिसकी शॉर्टेज होने जा रही है इस पर भी बात करेंगे गरीब आदमी के लिए एल एक बड़ा बेहतरीन और ऑल्टरनेट सोर्स है चाहे वो घरों में इस्तेमाल होती हो या फिर रक्षा और दीगर गाड़ियों में इस्तेमाल होती है हो। वो भी महंगी होने जा रही है दो बार महंगी हो चुकी तीसरी बार महंगी होने जा रही है वजह क्या है मामला क्या है गवर्नमेंट क्यों नहीं संभाल पा रही बहुत सारी चीज़ों को और जब बिजनेसमैन तबका गवर्नमेंट से मुलाकात करता है तो उस मुलाकात के फौरी बाद उसका रिएक्शन जो आता है वो कोई अलग नहीं होगा जो आज रिएक्शन आप देखेंगे उस पर बात करेंगे क्योंकि जब मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स से बात करूँ मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करूँ या फिर मैं एक ऐसी एसोसिएशन जो डायरेक्टली ताजरों के साथ जुड़ी है उनसे बात करूँ वो तमाम तर लोगों की राय ज़बान एक ही जैसी होती है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा और ताजर को रिलीफ ना मिलना किसी भी हुकूमत के लिए खतरे का बायस हो सकता है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं स्टॉक मार्केट में भी गिरावट रही आज भी कोई दो पॉइंट की बेहतरी है लेकिन स्टॉक मार्केट ने जिस दिन बजट आया उसको बहुत अच्छी तरह नहीं लिया नेगेटिविटी थी अब थोड़ी सी बेहतरी आ रही है पर स्टॉक मार्केट भी महदूद होकर रह गई है मॉनेटरी पॉलिसी का बिल आखिर ऐलान हो गया और मॉनेटरी पॉलिसी अब सात परसेंट पर आ गई अच्छा फैसला स्टेट बैंक का लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हैं बिजनेसमैन तबके और ताजर की वो थी पांच से छह फीसद की नहीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ, साथ मौजूद है स्काइपर उनसे इस पर बात करेंगे हमारे मुआशियात हैं और बहुत सारी चीजों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं कूमती पॉलिसीज़ को किस तरह देखते हैं बाईस माह हो चुके कोई तजारती पॉलिसी नहीं है इस हुकूमत की जिस पर वज़ी अजम इमरान ख़ान ने सरजनिश भी की है और हदायात भी की हैं क्यों नहीं है क्या वजह है रज़ाक दाऊद और दीगर जो करीबी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों इस तरह की बात बड़ी देर से पता चलती है वज़र अजम को बाईस माह के बाद इरफान खोकर साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है इसी से जुड़े बहुत सारे सर काफी सारी चीजें तो मैंने कह दी शुरू में सर बजट आया बिल्कुल बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे फिर लोगों ने देखा कि टैक्स नहीं बढ़ा लेकिन शराय टैक्स बढ़ी और फिर आपको पता ही है कि जिस हद तक टैक्स वसूलियों के आदाफ रखे गए आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है वो कहते हैं तरक्की की शराब एक फीसद से ज्यादा नहीं बढ़ेगी फिच कहता है जीडीपी ग्रोथ जो गवर्नमेंट दे रही है वो अनरियलिस्टिक है अब मॉनिट्री पॉलिसी का ऐलान हो गया तो सात फीसद पर आ गई आपकी सूद सर कहाँ से शुरू करना चाहेंगे थोड़ा बताए मुझे क्या स्टॉक मार्केट से शुरू कर लें स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं देखिए स्टॉक मार्केट बेसिकली करती है बेसिक फंडामेंटल ऑफ द को जब इकॉनॉमी के बेसिक फंडामेंटली ठीक नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट को तो कोई ब्लेम नहीं दे सकते इसलिए इस वक्त दो सेक्टर आप देखिएगा स्टॉक मार्केट देख लीजिए पिछले काफी दिनों से या तो सीमेंट का सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि डैम बनेंगे सीमेंट सस्ता होगा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा तो आपने देखा होगा पिछले पंद्रह बीस दिन पिछले दो तीन महीने से जब तक कंस्ट्रक्शन पॉलिसी अनाउंस हुई है सीमेंट सेक्टर जो है ना बहुत स्टेबल आपको नजर आता है और आज भी अगर आपने देखा है ग्रोथ हुई है अगर स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बल्कि डी जी खान देखे कैप हुआ फाइनर और सीमेंट ये सारे जो स्टॉक तो थे बाकी फंडामेंटल सारे के सारे वो आप समझ लें कि इतने बुलिश नहीं थे उस लिहाज से तो मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त तो बेसिक अगर आप चले जाएं इकोनॉमी की तरफ तो उसको अगर देखें तो एक परसेंट जो शराब कम हुई है ये बेसिकली वो दे रहा है, तो तो बात है लेकिन अगर ये मार्च में कर देते दे और इमिजिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर देते देखे दे दे, लोगों को शायद अभी पता नहीं है कि ये जो शरत कम हुई है ना इसका इतना पहले जुलाई से होना है ये जो अभी भी जो जो इंडस्ट्री है या जिन्होंने लोन लिया हो ना वो पुराने डेटो पर ही मार्का वगैरह देंगे तो ये पहले जुलाई के बाद होगा हाँ डेफिनेटली छह बेसिक पॉइंट की कमी होना बहुत बेहतर बात है इससे काफी फायदा होगा और नेक्स्ट वीक थ्री पॉइंट थ्री ट्रिलियन का जो वो लोन है बैंकों के वो भी रीट्यूल हो रहे हैं गवर्नमेंट को तीन हजार बिलियन का इसमें से फायदा होता नजर आ रहा है आम आदमी को फायदा होगा लेकिन जब आप इकोनॉमी की टूची का देखें आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही आपका बाय साइड रोग वापस आ रहे हैं आपके लिमिटेस कम हो रही हैं ये वो सारी एरिया है जिसको आपने फोकस करना है अच्छा मैं इस बात नसीम साहब एक चीज चाहूंगा आप उसमें नसीम साहब मेरी आवाज आ रही है सर एक चीज ऐड करें हम बात कर लेते हैं 28 जनवरी की रवां साल की 13.2 मार्च पर बाकिर رضا साहब ने बरकरार रखने के लिए ऐलान किया था कि 13.2 पांच पर बरकरार रहेगी शरई सूत फिर हमने देखा कि कम दो होते, दो होते 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 इस दो सालों के टेन्योर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने इस कम होने से एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा क्या गवर्नमेंट ये इम्पैक्ट पहले नहीं डाल सकती थी वो है कर्जों की मद में जहां पर 2100 अरब रुपए के कर्जों में कमी हो गई है क्योंकि जाहिर है आपने शराय सूद कम की है तो आपको जरा कम सूद पर कर्जे वापस करने बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए गवर्नमेंट को तो फायदा है ना ये मार्कअप कम होता है अब यहाँ सेक्टर का भी एक थोड़ा सा पावर है तो, तो तो है, में, में है तो बैंकिंग सेक्टर है अब यही जब रजा भाग साहब आए थे छब्बीस जनवरी को ये कम कर देते थे तो ये छह महीने जो है इससे काफी मुशी हालात कुछ ना कुछ हद तक बेहतर हो सकते थे लेकिन ये उस तरफ गए नहीं अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आप देखें कि आपको टैक्सों का इश्यूज तो अलग है।, आप है आपकी गवर्नेंस का इश्यू अलग है आपकी एक्सपोर्ट का इश्यू अलग है आपकी मैनुफेक्चरिंग जो है वो कम हो रही है अच्छा दूसरा सबसे बड़ी बात है

मामलात कहाँ जा रहे हैं तीसरी तीसरी दफ़ा एल पी जी की कीमत बढ़ रही है अच्छा लोगों ने आप लोगों को एक माफ़िया के तौर पे देखना शुरू कर देना है वरना जैसे पेट्रोल गायब हो गया एल पी जी भी हमें गायब होती दिखाई दे रही है मसाइल क्या है सर हमें ज़रा खुल के बताएं ताकि आम आवाम तक वो बात जाए जहाँ से मुश्किल आपके लिए भी बढ़ती हैं आवाम के लिए भी बढ़ती हैं बिस्मिल बहुत शुक्रिया अस्थान आपके साथ शो करने का मुझे एक, एक, एक कह लेना कि मज़ा आता है और मैं खुद लाहौर से जब आता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है मैं आपके साथ जरूर क्योंकि अकानमी पे, पे माशाल्लाह आपका जो एक गिरफ्त है वो मुझे बहुत रात को लेट ओवर में आपको मैं देख रहा था कि ये असलान मैंने आ, ये बड़ी एक लंबी कहानी हिस्ट्री है कि इस मुल्क में रोज़ आए दिन कोई ना कोई कैंडल होगा कोई ना कोई ऐसा गंदम का शुगर का पेट्रोल का इसी तरह ये ये भी एक चीज़ और जब जबकि इतने नाहिर अफसरान इतने नाहल अफसरान जिनको पता है कि इस मुल्क का जो नुकसान होने जा रहा है जो इस मुल्क का चार से छह अरब रुपए का लॉस होगा उसका जुम्मेदार कौन होगा हर चीज काम तो सर एक तो खजाने का गैस महंगी कर दी एल पी जी आप लोग आप दो आपने खुद आपसे मेरा दो बार महंगी हुई अभी फिर आप बता रहे थे महंगे सर यहाँ से शुरू करें कि जो मामला चल रहा था एस एस जी मैं, मैं पहले प्राइस को, को पहले मैं प्राइस तल से बता दू गुजारिश है कि यही जून में कीमत एक सौ दस रुपए के जी ओगरा ने अनाउंस की थी तो मार्केट में गैस लोकल प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट वाफर आने से डिमांड एंड सप्लाई में कोई फर्क नहीं था और कीमत पच्चीस रुपए के जी कम कीमत पे आम मार्केट में दस्तियाब थी वेरी गुड आप देखिए आज छह दिन गुजरे हैं दो दिन पहले अल्लाह ना करे को पैनिक क्रिएट हो मैं कहता हूं मैं फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे को पैनिक क्रिएट हो अगर पैनिक क्रिएट हो गया ये एलपीजी को काबू में नहीं ला सकेंगे मैं आपको आपके प्रॉब्लम दावे से कह रहा हूं ये मैंने ये बात मैंने अच्छा देखें मैंने ये बात मिनिस्टर पेट्रोलियम उमर साहब को और मैंने नदीम बाबर साहब को ये बात उन्होंने मुझे बुलवाया मैंने उनको ये बात बताई मैंने कहा इसका कोई हाल इसका कोई हाल निकाले मैंने कहा हाल इसका निकालने का मकसद या तो लोकल प्रोडक्शन हमारी फौरी तौर पर बहाल कर दी जाए जैसे भी है या फिर इम्पोर्ट आ जाए दो तरीके अच्छा अब मैं बताऊं कि सर कीमत अब ये दो ची दफ़ा कीमत पहले दस रुपये के जी बड़ी है ओगरा की कीमत से बीस से कम थी अब ये ओगरा की कीमत को क्रॉस कर देगी अगर पैने क्रिएट हुआ तो वही गैस जो कुदरती गैस आती है और एलपीजी निकल के वापस उसमें आप अंदाजा करें कि डेली का बिलान तीन सौ पच्चीस मेट्रिक टन से लेके 525 सौ पच्चीस मेट्रिक टन गैस ये दो हज़ार पाँच अब तक ये अरबों रुपया गवर्नमेंट के पास जा रहा था ये आमदन थी इस खजाने को मिनिमम मेरे हिसाब से मिनिमम चार से छह अरब रुपए का टीका लगेगा खजाने को जो और अवाम को गैस भी महंगी खरीदना पड़ेगी बोझ तो आवाम पे पड़ेगा जब करेंगे हमारे पास डॉलर भी नहीं है कितना हम लॉस करेंगे कि हमारे हम कहा खड़े इस वक्त एक तो बात ये होगी अब एल पी जी की प्राइस अभी अभी बढ़ना शुरू हुई है अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया मेरी इनसे हाथ बांध के पी जनाब प्राइम साहब इनको इनको बिठाएं इनमें जो बोर्ड के एस एस जी सी के ना अफसरान इनको फौरी तौर पर चेक कर दें फौरी चेक करें फौरी कमेटी तश्ल जाए जिसको देखें प्लांट चल जाए या जैसे भी, नहीं नहीं। भी। से आपकी जो बात हुई उसमें ये बात भी आपने देखा देखिए मैंने उनको ये बात क्लियरली बताई है मैंने कहा सर मैंने यहाँ तक कहा कि सर ये आप हर चीज़ को अपने ऊपर ना जमे लें जो ना अहल अफसरान हैं उनके खिलाफ जरूर इंक, इंक्वा करें और मीटिंग में मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल मीटिंग में बैठूंगा मैं एक चीस क्योंकि अठारह माह कबल असलान अठारह माह कबल इनको पता था बीस जून को मुआवजा खत्म हो रहा है क्या मतबाजा नहीं मिट किया खजाने को भी नुकसान आवाम को भी सस्ती गायर देनी पड़ी इन्होंने खुद क्या किया इतने आला उसने मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अवाम का क्या कसूर नंबर वन जब रक्षा वाला जुलूस निकाले गालियाँ हमें देगा डिस्ट्रीब्यूटर को गालियाँ देगा हमारे एंड पे देगा हम माफिया अगर मेरे सर बर वक्त आकर के चीज़ों को एक्सपोज नहीं करता मेरे सारे मीडिया के बड़े मज़दूर दोस्त हैं मुझे है। मैंने सोचा कि आज आपको भरपूर तरीके से मौका दूँ ताकि सुनने वाले को पता चले हम पेट्रोल गायब हो जाता है तो हम माफिया कह देते हैं पेट्रोल का अब एल पी जी जो कि सस्ती आम आवाम गरीब के लिए एक बेहतर ऑल्टरनेट सोर्स है

दस साल की सता पे सबसे कम सर कीमत भी कम सर इस्लान साहब मुझे इतनी दुख की बात है मैंने जो मुनीर साहब से दोनों से कही हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया हमने इतनी मेहनत करके एलपीजी इंपोर्ट पे टैक्सेस का खात्मा किया एलपीजी पे रेगुलर ड्यूटी खत्म की लोकल वालों ने पता नहीं क्या-क्या मुझे कहा लेकिन सर बात ये है कि हमारे पास यही देखें यही दिन आज से 15 दिन पहले यही गैस ओकरा की مقررकर्ता कीमत से पच रुपये किलो मार्केट में आप थी आज की कहाँ कै, कैसे ऊपर जा रही है सर इसके मतबादल अरेंजमेंट हमें करने चाहिए थे ना अहल किस्म के जो एस एस जी सी के लोग हैं सबसे पहले तो उनको सैक करें प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको सैक करें पूछे कि आए दिन गंदम शुगर पेट्रोल उसके बाद एल पी जी ये एनर्जी का जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है ये आम लेकिन अब नहीं आए महंगी होगी दरख्त कटेंगे सर आप पहाड़ों में कौन कैसे यूज़ करेंगे देखे, उनका देखे रक्शे में सस्ता फ्यूल है इन ऐसे लोगों को आप जाके जा पेट्रोलियम की तरफ आएंगे सर अगर ऐसे एस जी सी ने बिलेंडर किया तो सबसे पहले ऐसे एस जी सी को सैक कर उसके बाद बैठे क्या करना है गवर्नमेंट फौरी तौर पे इसकी अबूरी एक कमेटी एस एस जी सी की जो जो मुझे आप बताएं आप एस एस सी सी पर बात कर रहे हैं मैं ही चाहूंगा जरा आपने जब वजीर से हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है उनसे जब बात की किन किन पॉइंट्स पर आपने बताया कि एस एस डी सी ने यहाँ यहाँ पर उनकी ख़ामियाँ रही हैं यहाँ यहाँ पर कोताहियाँ रही हैं जिसकी वजह से हम आज इस नहज पर पहुँचे अफलान साहब मैं आपके में दबाव से कहता हूँ जिस किसी का भी इस पर सर्च है आए मेरे से कर मुकर इस प्रोजेक्ट के तलक से मेरे से बात कर लें ये प्रोजेक्ट सन दो हज़ार दो से पहले इतना पैसा इतना अब सॉरी इतना पैसा यानी एल पी जी ज़ाया हो रही थी बार बार लबॉरटरी टेस्ट किए फिर दो हज़ार तीन और चार में दो हज़ार तीन और चार में एक बिड हुई जिसमें ये प्रोजेक्ट लगा उसमें आप दो हज़ार चार तीन चार में जुफरल्ला जमा, जमाली साहब से स्टोन बेकिंग हुई जनरल मशरफ साहब ने इसकी उनकी ओपनिंग की अब देखिए गौर करें 2005 से लेकर 15 साल में ये ये एक पैसा कमा के ऐसे को दे रहा था ना देखो मुनाफा बख्श मुनाफा बख्श उनका शेयर कहाँ गया अब ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो लोग वही बैठे हुए और वो आवाम को टीका भी लग रहा है और जो जो खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये मेरी बड़ी क्लियर और जिससे मैं मैं चैलेंज करता हूँ जो जिससे भी कोई डिपेंड करी मुझे मुझे किसी ऐसी माफिया से मेरा कोई सिस्टम को बता दे बात यह है कि मैंने जब भी कोई गलत बात इंडस्ट्री में हुई है मैंने आल लानियाँ कहा मैं सबके सामने आके कहा कि ये गलत चीज़ हो रही है मैंने आज भी चैलेंज करता हूँ बात यह है कि इस मुल्क में सबसे पहले मैकेनिज़्म तय कर देना चाहिए था ठहराह माह पहले इनको पता था कि बीस जून को मुआवजा खत्म होना है क्यों नहीं किया अच्छा मैं थोड़ा सा ना इस पर राय लूंगा नईम साहब की भी नईम साहब आपने सुना इरफान खोगर साहब ने तमाम तर वो सूरत हाल बताई है एस एस सी के हवाले से भी और दीगर मामला पर भी उन्होंने कहा कि जब अठारह माह के बाद मुआदा खत्म हो रहा था तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्या किसी को याद नहीं रहा क्या मामला है दूसरा तो ये सर जब माहदा खत्म हो रहा होता है और फिर जब कोरोना वबा इतनी तेज़ी से फैली दुनिया भर से हम कोई चीज़ ना मंगवा रहे हैं ना हम भेज रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ एल पी जी से मुताबत रखते हमें जहाज मंगवा लेने चाहिए थे मुझे याद है काफी अर्सा पहले एक जहाज़ आया था एल पी जी का मुझे इरफान खोकर साहब ने शेयर किया था वो तमाम फिर मैं जरा इनकी तरफ भी जाऊँगा यही सवाल लेकर अच्छा नहीं सर मैं वापस आता हूँ एक ब्रेक पर जाना है ब्रेक से वापस आता हूँ तो जरा आपके पास आता हूँ ये सवाल लेकर आता हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेकर वेलकम बैक जी और ब्रेक पर जाने से पहले इरफान खोकर साहब ने बहुत सारी चीज़ों पर बात की उन्होंने एल पी जी के मसले पर और आने वाले दिनों में इसके बहरान पर बात की है अब इसका एक और बहरान आता है तो क्या मसाइल जन्म ले लेंगे बहरान पर बहरान के बाद उन्होंने बड़े वाजे तौर पर बताया कि बहरान कैसे आ सकता है उसकी वजूहत भी बताई नईम सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है नईम साहब आपने इरफान साहब की बात सुनी मैं ज़रा आपका इस पर थोड़ा सा तज्जिया चाहूँगा ताकि इसके बाद मैं इरफान साहब से एक और ज़रा सवाल भी कर लूँ देखिए इरफान सन ये तो रियलिटी की बात की उन्होंने ये तो फैक्ट्स हैं अब बात ये है कि ये कोई एक इशू नहीं है ये बहुत सारे इशू है पेट्रोल का बरान है एलपीजी का बरान है आटे का बरान है चीनी का बरान है आई का बहान है आप किस तरह देखेंगे आपको कोई को ना कोई बरान नजर आता है अब इसमें सिचुएशन ये है कि मैं यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को जरूर थोड़ा सा मोरदाम ठहराता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो जाके हुकूमत से उसगोशियट क्यों नहीं करती वो डरते क्यों है जब वैसे तो सब बातें करते हैं हम भी टीवी पे आते हैं आप जब बातें करते हैं हुकूमत को ये नहीं पता हुकूमत को वो नहीं पता मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को ये नहीं पता कि लोगों के घर में आटा नहीं मिल रहा अस्सी रुपए किलो आटा मिल रहा है गैस नहीं मिल रही बिजली नहीं मिल रही और ये सारे मामला जो है ये हुकूमत को भी पता है लेकिन बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ पॉलिटिशियन के साथ बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इतने प्रेशर में बात नहीं करती वो जाके जब टेबल में बैठती है तो वहां जाके उतना डिस्कस नहीं करते तो ये तो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू है जिसके लिए पॉलिसी शादी की जरूरत है तजारती पॉलिसी नहीं बनी आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके पास कोई पॉलिसी देने को नहीं है कोई इंपोर्ट की प्रॉपर पॉलिसी नहीं है

उनके साथ टेबल पे बैठ के बात नहीं करेंगे मैं तो हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि जितने भी बोर्ड के बनते हैं एपीआर का बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बोर्ड हैं है, है, वहां पे जब तक प्राइवेट सेक्टर से लोग नहीं बैठेंगे उस वक्त तक लोगों के मसाइल हल हो ही नहीं सकते आप जो मर्जी पॉलिसिया

ठीक है बिजनेस के लिए बड़े मुश्किल है। मैं आगे आने वाला बहरान है कैसे कीमतें जो बढ़ रही है इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है अगर ये शॉर्टेज हो जाती है शॉर्टेज की वजुहत क्या हो सकती है सर सब सबसे पहले तो मैं फिर से जो बात होता तो है क्या उन्होंने पेपरा रूल्स की मुताबिक उन्होंने को फौरी ओपन बीट के लिए सबको बुलाना चाहिए आज जो बंदे जो जो मेरे से भी लोग मुझे बातचीत कर रहे हैं या मुझे मैसेज भिजवा रहे हैं तो ये अदारे को भिजवाते हैं अदारे का चाहिए था वो पेपरा रूल के मुताबिक ओपन बीट करता आए जी मैदान में आए प्लान लग जाता गुजारिश ये है कि यह यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ सर

ऐसे जैसी उनका जॉइंट वेंचर है ना उनको चाहिए सर आप मिनिस्ट्री पेट्रोलियम कहते इसको पहले सेटल करो 18 हाँ, माह से, से पहले इसको सेटल करें हो, 18 माह से पहले ये सेटल होना चाहिए जिस हालत में भी होता आज आम को ग, जो है ना वो गैस महंगी ना मिलती ओपन बिड का लान किया होता टेंडर किया होता एलान आज ऐसे जैसी को कोई गुगली ना उठाता आज मुझे सब लोग ये कह रहे हैं आप तो इसके खिलाफ थे मैं मुझे इस प्रोडक्ट चाहिए यहाँ जिस सूरत में भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए ताकि आवाम को सस्ती मिले मुझे मुझे नहीं चाहिए कि, कि, कि मददा कैसे होना था कि, इनकी जिम्मेदारी एक बात आप आपने की सर प्राइज़ की बात असलान साहब प्राइजेज़ मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह ना करे को ऐसा अल्लाह ना करे को ऐसा पैने क्रिएट हो जाए अगर हो गया तो पेट्रोल की तरह ये काबू नहीं हो सकेगा इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए कोई उसमें इतना बड़ा जो गैप था ना वो जो गैप नहीं है उसमें सर इस वक्त तो किस्मत अच्छी है वजारत पेट्रोलियम की कह रहे हैं एस जी कह रहे हैं लॉकडाउन है होटल बंद है तंदूर बंद है शादी हॉल बंद है खपत नहीं है अगर सर पैनिक क्रिएट हो गया मैं फिर कह रहा हूँ आपके प्रवृत्त तो फसल से इनके काबू में नहीं ये मैंने मैंने सबको ये बात उनको कही सर हम जब तक पिछले से जहाज देखें सर एल सी खुलेगी जहाज आएगा अच्छा सबसे बड़ी मजा असलान मजे की बात कि पिछले साल तीस हजार टन से भी ज्यादा गैस के शिप आए यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का जो एक गैप था बहुत उसमें सरपर सप्लाई थी वो आकर के उन्होंने सस्ते दामों गैस बेची उनको पंद्रह हजार रुपये टन का नुकसान हुआ इस महीने पर सिर्फ टोटली गैस आज तक जो शिप

वेलकम बैक इरफान साहब कुछ कह रहे थे सर अपनी बात को कंटिन्यू करें हम इसके बहरान पर काबू कैसे पा सकते क्यों मुख्तलिफ हमारे पास सोर्सेस थे हम जहाज मंगवा सकते थे हम इसके बहरान को काबू कर सकते थे आ, इस तरफ भी नहीं सोचा गया यही सवाल मुझे किया नदीम बाबर साहब ने सर हमने कहा कुछ नहीं इस पर फौरी तौर पर एल सी खुलेगी जहाज़ आएगा फिर मार्केट में प्रोडक्ट आएगी जब तक अल्लाह ना करे कोई पैनिक क्रिएट हो जाए हम नहीं काबू कर सकेंगे हमें तो लोकल प्रोडक्शन जितने हमारे हैं उसको बढ़ा देना चाहिए मैं फिर ये बात कहूँगा हमें सबको बाजारत पेट्रोलियम को हम तमाम स्टेक होल्ड हमें स्टर जोड़ के बैठना चाहिए इस मामले से क्या आवाम की क्या गलती है जो आज पहले अस्सी रुपये किलो पचासी रुपये किलो गैस खरीद रही थी आज नुकसान भी गवर्नमेंट को टीका भी लग रहा है खजाने को नुकसान भी हो रहा है और को आज जी पचास रुपए डोमेस्टिक और दो सौ रुपये कमर्शियल आज फिर बढ़ गया आज आज फिर बढ़ गया मार्केटिंग कंपनी ने इवन इवन गर्मी जैसी जो जिन चीज़ों ने जिन्होंने ब्लेंडर मारा है उसकी कीमत भी बढ़ गई और बाकी भी सर आने वाले अड़तालीस घंटों में मजदूर कीमत बढ़ेगी मैं अभी से आपको बता रहा हूं मजीद की उसका कौन जिम्मेदार होगा इस एस एस जी सी के पूरे बोर्ड को मैनेजमेंट को फौरी तरह से कर देना चाहिए जनाब प्राइम मिनिस्टर आपको बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है इन अदारों को कंट्रोल करें जितनी सर, मैं समझा हूं मैं पाकिस्तान में सिर्फ एल पी जी को रिलीफ मिला था सिर्फ एल पी जी को हम आपके मुश्क्र हैं लेकिन ऐसे माफियाज को ऐसे जिन्होंने आपकी बदनामी का बायस बने इनको फौरी चेक करें इनको फौरी इनके दफ्तरों से गिरफ्तार करें सर ये बताएं आपने मुख्तलि चीज़ों पर बात की है आपके बिज़नेस पर जब इस तरह के मामलात आते हैं एक जगह रोक लग जाती है आपके बिज़नेस पर जब बहुत ज़्यादा असर पड़ता है तो अब आप चेयरमैन हैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ख़्यालत क्या होते हैं फिर टैक्सेशन का मामला एक तरफ कुछ लंबे चौड़े टैक्स भी होते हैं आपने बताया कि काफ़ी टैक्सेस पर कंट्रोल करके हम सस्ती दे रहे थे अब हमारे पास एक तरफ शराय सूद में कमी आई है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैक्सेस में काफ़ी जगह पर रियायत मिली है लेकिन थोड़े बड़े तबके को इस दो दोस्त सर नए पाकिस्तान में मैं मशकूर हूँ फिर भी कह लूँ ये मशकूर हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बाजार से पेट्रोलियम का नए पाकिस्तान में सिर्फ एल पी जी को रिलीफ मिलाई मैं, मैं, मैं फिर से कह रहा लूँ लेकिन हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फेरा जा रहा है पानी फेरा जा रहा है हमें जलील गवर्नमेंट को बोले क्या कसूर है मुझे अभी मुझे नदीम बाबर साहब ने जब बात की तो अब वो भी एक नई तरीके से सिस्टम को बेहतरी लाने की कोशिश करें अलग करें वो कामयाब हो जाए फिर ऐसे इन शायद अलग करे फिर एल पी जी का कोई बुरहान पैदा नहीं होगा सर अब क्या होगा कोरोना की वबा में आप तो जहाज़ भी नहीं मंगवा सकते नहीं जहाज़ आ रहे हैं सर पहले देखिए पाँच जहाज़ आ रहे थे ठीक है आप सिर्फ दो जहाज एक पाँच हजार टन का एक सोलह सौ सो टन का मैक्मम यानी छः हज़ार पाँच सौ मीटर टन है आइए आ लेकिन फिर भी नदीम बाबर साहब ने बड़ी अपनी जद्दोजहद ज़्द के साथ और उमर यू साहब ने इम्पोर्टर्स को बाकीों को कोशिश कर रहे हैं कि वो गैस काफी हद तक आ जाए है पैनिक क्रिएट ना हो मैं उनकी मेहनत को सलाम पेश करता हूँ उन्होंने कोशिश की है अगर वो कामयाब हो गए जो पैनिक क्रिएट नहीं अगर वो कामयाब ना हुए गैस ना आई अगर पैनिक क्रिएट हो गया ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ये मैंने दोनों मनसर साहबान से मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ मैं उनके साथ हूँ उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे टैक्सीज में खत्म कमी की थी अभी फिर एक और चीज सबसे खूबसूरत है उमर अयूब साहब का नादरिया नादरन एरियाज में, जो आपके लास्ट के, नादरन में एल जी लोगों को सब्सिडाइज किया जाएगा लोगों को सस्ती एलपीजी दी जाएगी ये समरी तो मूव हो चुकी है ये ये भी इनको क्रेडिट देना चाहिए लेकिन एस को पहले ये अरेंजमेंट करना चाहिए ना जी जी एलपीजी होगी तो देंगे ना सर देखिए मैं फिर कह रहा हूँ अगर इनके पास एक अपना अपना टर्मिनल मौजूद है सर एस एस का अपना टर्मिनल है किसी से लेना नहीं है वो टर्मिनल अब देखिए सर टर्मिनल के इस वक्त 20 डॉलर से लेकर इकतीस बत्तीस डॉलर तक उसके चार्जेस छह हजार पांच सौ का अपना स्टोर है ठीक टर्मिनल पे मौजूद है सर बात यह कि ये खुद कोशिश करते हैं कुछ तरीका करते हैं इनके साथ कोई अरेंजमेंट करते हैं इंपोर्टर के साथ कोई अरेंजमेंट करते हैं सर तुकु... अच्छा मुझे ये बताएं सर कितने मेट्रिक टन की शॉर्टेज हो सकती है इस सिचुएशन में सर इसमें तीन सौ पच्चीस मेट्रिक टन गैस इस वक्त निकल रही थी ठीक है और ऑलमोस्ट इसमें जो ए, 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 एक सौ पचास मेट्रिक टन एनजील जो कच्चा तेल है वो भी निकल रहा था तो तक्रोडक्शन तो तो हो हो। तो दो सौ मार्केटिंग कंपनियां मौजूद है दो सौ पचास प्लांट मौजूद है अब मुझे बताए ना जब खाना दस बंदे पांच बंदे खा रहे हो एक रोटी कितने लोगों को पूरी आएगी फिर पूरी नहीं हो सकती मैं फिर कह रहा हूँ दुआ करता हूँ या मैंने कि पैनिक रेट ना हो अगर सर पैनिक रेट हो गया जिस मोटरसाइकिल जाता है एक लीटर पेट्रोल डालता है वो कहते तो टैंकी फुल कर दें तो हमारा एक लाख डस्ट्रीब्यूटर मिनिमम पूरे मोलक नहीं हो एक चौपे अगर करें बाईस कमर्शियल स्टैंडर्ड हो स्टैंडर्स टन गैस हो सर हम एक लाख टन गैस पैने एक लाख टन गैस चाहिए तो ये तो काफी सीरियस इशू है सर ये तो बड़ा बड़ा सीरियस इशू है बस इसको मुझे तो हैरत है कि इतना बड़ा ब्लेंडर मारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस अभी तक नहीं लिया

कम से कम छह फीसद तक नहीं जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वक्त मोशत तबाह हो चुकी है इस वक्त बाकी चीजें हम लोग एज ए छोटे छोटे बिजनेस मैन है छोटे लिए दुकानदार हैं हर बंदा अपनी जगह पे परेशान है हर बंदा कोरोना से डरा हुआ कोई नहीं। जब है कोई हाल इसे तक नहीं जाती तो आप लोग इतने खुश नहीं हूँ बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका एक बहुत बड़ा इशू उन्होंने इस पर बात की और बताया कि कहाँ कहाँ पर इशूज हैं गवर्नमेंट ने रिलीफ भी दिया आम आदमी के लिए गैस जो सस्ती थी अब वो महंगी हो रही है और ये एक बहुत बड़ा मसला जन्म ले रहा है एक नया मसला नईम सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है आपका भी बहुत शुक्रिया जुमे के रोज़ फिर होगी मुलाकात अपना ख्याल रखिएगा